हे गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज रक्षाबंधन है तो हमें लगी थी भूख, तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे। तो भैया ने बोला हम सबके लिए वो बनाएंगे सेवियां, तो वो मार्केट गए और लेकर आए। और अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनाते हैं। मैं बनाने वाला हूँ सेमिया, वो भी मेरे स्टाइल में। ठीक है, इसके लिए हमने ये काट रखे हैं प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्ची, और ये होगा देसी स्टाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक पैन में तेल रखा है और ये हम तेल में बनाएंगे, वो भी सरसों के तेल में, क्योंकि टेस्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्याज को डालेंगे कढ़ाई में। और ये प्याज हमने दो बड़े बड़े प्याज ले रखे, काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्याज को डालेंगे कढ़ाई में। और ये प्याज हमने दो बड़े बड़े प्याज ले रखे, काफ़ी ज़्यादा, आपको बता दूँ। और फिर से बता दो, सरसों का तेल लिया हमने। ठीक है, और ये फिर से बता दो एक बार, दो प्याज है, एक बड़ी शिमला मिर्च है बड़ी वाली, ये दो छोटी वाली, टमाटर एक है मीडियम साइज का, और चार हरी मिर्ची है क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। ये देखिए, और ये है 400 ग्राम, ये 400 ग्राम। ठीक है, सेमिया, और ये रोस्टेड ऑलरेडी, इसलिए मैं रोस्ट को दोबारा से हल्का करूँगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं ऑडियंस को, इसको हमको गोल्डन ब्राउन करना होगा। ठीक है, ऐसे रॉ नहीं करना, गोल्डन ब्राउन प्रॉपर करना है, फिर ही आग बनेगा। और मेरे भाइयों ने मुझसे जिद की कि भैया बना दो कुछ नया स्पेशल, तो मैं उसे बना देता हूँ। या बनाते बनाते हमें लग गई भूख, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मिठाई, अरे मिठाई तो बची नहीं, चलो दूसरी वाली मिठाई ले लेता हूँ मैं, ये वाली तो अच्छी नहीं, ये खाई आप ही ने तो खाई था, दूसरा ले लेना। जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम मिठाई टेस्ट करते हैं, जो मैं लेके आया था ये वाली। हाँ, ये वाली खाता हूँ ये ना, ये ऐसे, और ये देखिए, तब तक हम मिठाई खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, मतलब बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, और हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि अभी रॉ है। हम चाहें तो कैप्सिकम और प्याज को, दोनों को साथ ही फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे कैप्सिकम, इसको भी सेम फ्राई करेंगे। और हमने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, स्पेशल चीज़ है जो मैं ऐड करूँगा इसमें, या आप खुद ही बना सकते हैं, इसको बोलते हैं शेजवान चटनी, बहुत इजी बनानी, बट हमने मेहनत कौन करेगा, इसलिए खुद खरीद के ले आया मैं, ये ऐड करूँगा। और मैं फिर से बता दूँ कि मैंने ना हरी मिर्च 4 ली थी जो कि मैंने अभी रखी है, और टमाटर 1 लिया था मीडियम साइज का। मैंने रखने का पर्पस ये है, ये पानी छोड़ता है टमाटर, इसलिए इसको लास्ट में डालेंगे। और अगर मैं मिर्ची डाल देता तो आपको चिमनी चलानी पड़ती, जिससे कि मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आती। तो अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड, देखिए हमारे प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ऐड करते हैं इसमें हम है, ये देखिए ऑलरेडी रोस्टेड थे, बट थोड़े और रोस्ट कर लेंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है ना, आय हाय क्या स्मेल आ रही है, मस्त।
हरी मिर्ची डालने के बाद हम तुरंत टमाटर ऐड करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, टमाटर के साथ कॉम्बिनेशन होता है नमक का, तो नमक जानना जरूरी है। और इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब बारी आती है हमारी सेजवान चटनी की। और ये है फाइनल लुक हमारी नमकीन सेवई का, ये देखिए रेड रेड स्पाइसी। इसमें घी जरूर डालिए। अब मेरी मम्मी टेस्ट करके बताइए कैसी हो रही है मेरी बनाई हुई सेवई। वाह बहुत टेस्टी हो रही है, वाह एमी यूनिक टेस्ट। तो हंस क्यों रही हो आप हंसा रहे मेरे को, मैं नहीं हंस रही हूँ। चलो खाओ।